फ्रीडम ऐप में आपका स्वागत है और फ्रीडम यात्रा पहुंची है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जिला शाहजहाँपुर और कस्बा कांट। तो कांट में हम पहुंचे हैं फ्रीडम हीरो के यहाँ। फ्रीडम हीरो जिन्होंने एक नई शुरुआत की है, फिश फार्मिंग उन्होंने शुरू की है और फिश फार्मिंग से उनका बिजनेस कितना अच्छा हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, उनसे मिलवाएंगे। तो आपको लेकर चलते हैं हमारे आज के हीरो मोहम्मद वसी सिद्दीकी और उनके पिता हैं मोहम्मद वकी सिद्दीकी। उन्होंने एक नई शुरुआत की है और एक नई टेक्नोलॉजी अपनाई है फिश फार्मिंग में। तो आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि उनका कितना प्रॉफिट है, कितना उनका इन्वेस्टमेंट है और किस तरह से उन्होंने एक नई शुरुआत की है। तो चलिए मिलवाता हूँ सबसे पहले मोहम्मद वसी सिद्दीकी से। हाँ मिस्टर मोहम्मद, हाँ कैसे हैं आप? तो आपने फिश फार्मिंग की शुरुआत की है, आप हमारे जो देखने वाले हैं फ्रीडम ऐप के जो लोग हैं, आपकी शुरुआत कैसे आपने, सबसे पहला सवाल ये कि कैसे जुड़े आप फिश फार्मिंग से? फिश फार्मिंग से मैं ऐसे जुड़ा कि सबसे पहले मैं अपने दुबई में वर्क करता था, मैं इंडिया आया तो मैं सोच रहा था क्या मैं काम स्टार्ट करूँ। तो मैं NDTV पे आप लोगों का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था आइकन्स ऑफ भारत, तो मेरे फादर वो देख रहे थे, तो फिर मैंने भी उसे देखना स्टार्ट किया, फिर उसका यूट्यूब पे भी क्लिप्स वगैरह देखता था। तो वहाँ से मुझे ये फ्रीडम ऐप के बारे में पता चला, उस पर भी काफ़ी मेंटर्स आते थे जो अपने बिजनेस का बताते थे, फार्मिंग का, डिफरेंट फार्मिंग। तो मेरे पास में लैंड थी तो उसमें फ़िश फार्मिंग का उन्होंने बताया जो मेंटर्स आते थे, तो उससे मुझे एक आइडिया हुआ कि मैं इस काम को स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने वही फ्रीडम ऐप ज्वाइन, आपका सब्सक्रिप्शन लिया इसका और फिर इस पर मैंने जो है कोर्स करा। तो वहाँ से मुझे एक इंस्पिरेशन मिला टू स्टार्ट दिस वर्क जी, तो फिर मैंने वो स्टार्ट करा यहाँ पर। मोहम्मद वसी का जो फार्म है, इसका फिश फार्मिंग, इनका जो मॉडल है, ये एक मायने में अलग है। अलग इसलिए कि पहली बार मुझे लगता है कि ये शायद बहुत कम लोगों के पास होगा, गिनती के लोग होंगे जो बगीचों में फिश फार्मिंग करते होंगे। शायद हो सकता है अपने आप में पहला हो, अपने आप का डिफरेंट टाइप का, ये बहुत ही अलग तरह की इनकी फिश फार्मिंग की टेक्निक है, ये आपको आज इनके साथ बताएंगे, सिखाएंगे। तो आपका जो फिश फार्मिंग का रहा, उसकी शुरुआत कैसे, आपने बताया कि आपने इसके बाद किया, तो शुरुआत में किस तरह का रिएक्शन था आपके फैमिली के लोगों का, आपके जो दूसरे हैं दोस्त हैं लोग हैं उनके बारे में? उनका रिएक्शन सरप्राइजिंग था कि लाइक मैं दुबई से एकदम अपना, ये कोविड की वजह से काफ़ी मुझे अपने बिजनेस में वहाँ पे लॉस हो रहा था, वहाँ पर तो वहाँ पर मैंने अपने ऑपरेशन को रोका और मैं इंडिया आया जी। तो फिर वो लोग एकदम से कि सडनली मैं इस फार्मिंग के बिज़नेस में क्यों आ रहा हूँ, मैं अपना कोई जॉब देखूँ या वो करूँ, तो मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं, मेरा हमेशा है कि मैं कुछ अपना ही स्टार्ट करूँ और लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट भी दे सकूँ और फिर ग्रो भी कर सकें। तो फिर मैं इस बिज़नेस में आया, तो फिर मैंने ये चीज़ आइडिया जो था वो अपने फादर से मैंने शेयर किया, और वो काफ़ी इनोवेटिव भी हैं, उनका नई नई चीज़ में मतलब लगे रहते हैं कि कुछ नया समथिंग स्टार्ट करें, तो उनके साथ मैंने शेयर किया और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में, सब बाग और जो सब आप देख रहे हैं ये उन्हीं के ही करा हुआ है। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया छोटे लेवल पे, जो हमारा वो स्विमिंग पूल है उससे स्टार्ट किया, पूल को बंद किया, उसमें हमने फिश स्टार्ट करी और उसके बाद में ये सब। तो आपको बताएंगे कि ये स्विमिंग पूल से कैसे फिश फार्मिंग तक पहुँचे थे। तो दुबई का आपने जिक्र किया, दुबई में आप गए, दुबई से फिर वहाँ आपका जो बिज़नेस है उसके, दुबई के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें कि वहाँ की जो फार्मिंग है वो किस तरह से अलग है अपने यहाँ से? वहाँ पे मोस्टली मैं कहूँगा कि सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं दुबई में, इंडिया से, पाकिस्तान से और दूसरे दीगर मुल्कों से, कंट्रीज से जो है वहाँ पे चीज़ें लेते हैं। तो फार्मिंग का कंसेप्ट वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं है जी। तो वहाँ पे फार्मिंग के लिए तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड और इन सब में मेन वर्क होता है, फार्मिंग बहुत ही मतलब कम स्केल पे होती है, तो इंडिया के मुकाबले तो बहुत ही कम है। तो आप मानिए कि आपके लिए दुबई में आप रहते हैं तो एक मार्केट आपका दुबई में है, जान पहचान, मतलब आप वहाँ ले जा सकते हैं अपने प्रोडक्शन को। हाँ, इसके लिए बाद में मैं और जब इसको एक्सपेंड करूँगा अपने बिजनेस को डेफिनेटली, फिर मैं फ्रीडम ऐप पे, तो मैं ये कहूँगा कि इस पे इतने कोर्सेज हैं और मतलब इट्स लाइक आप दिमाग में सोचें और वो अलादीन के चिराग की तरह कि वो एकदम फ्रीडम ऐप पे आपका निकल आता है। तो इस पे मैं देखूँगा और मैं कैसे अपने बिजनेस को और एक्सपेंड, और अपने मार्केटिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोडक्शन हो रहा है, अब मुझे इसको किधर अपना मार्केट करना है, किधर मुझे सेल करना है अपने प्रोडक्ट को, जो फिश निकलेंगी अब, तो उस चीज़ को मैं उस पर अभी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मोहम्मद वसी, एक चीज़ इसमें यह है कि जो आप कोर्सेज देखते हैं इसमें मार्केटिंग, सब्सिडी, गवर्नमेंट सपोर्ट, इसमें ट्रीटमेंट, एवरीथिंग, हर चीज़ आपको गाइडेंस मिलता है, तो मार्केटिंग वाला पार्ट भी उसमें है। अगर आप उसमें जाएंगे देखेंगे बहुत अच्छे से, दोबारा उसको देखेंगे तो शायद आपको मार्केटिंग है बहुत अच्छे से पता चलेगा जी। तो उस पर मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा फिर जी, देखता हूँ कितनी मुझे हेल्प मिलती है जी। तो ये मोहम्मद वसी है, इन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन इसके आगे कहानी है,
उसके एक और किरदार है, इस कहानी के किरदार है इनके पिता मोहम्मद वकी सिद्दीकी, वो पूरा देखते हैं जी, वो पूरा देखते हैं। तो वो बताएंगे कि उन्होंने क्या इनोवेशन किया है फिश फार्मिंग में इनके फार्म पर, और एक और टेक्नोलॉजी उनकी है कि मैंगो जो इनका पूरा बगीचा है इसके बीच आम के बगीचे में ये फिश फार्मिंग करें। तो अब आपको लेकर चलता हूँ मैं इनके पिता मोहम्मद वकी सिद्दीकी जी के पास, तो आपको उनसे मिलवाता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल, अहलन व सहलन, मरहबा, और केमछो कैमरे आशेन, और यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस चाइनी फार्म द पायलट फिश प्रोजेक्ट। दिस इज मी वकी सिद्दीकी एट काट शाहजहानपुर ऑन ईदगाह रोड मदनापुर। तो अब आप देखिए कि समझ गए होंगे कि कितने इंटरेस्टिंग पर्सन है और कितने दिलचस्प तरीके से हमें खुद की फिश फार्मिंग के बारे में बताने वाले हैं। और ये मेरी खुशनसीबी है, मैं तो नहीं सोचता था, जिसके घर मेहमान आए उसके घर बरकत आई। आप आए हैं और आप हमें बहुत कुछ दे के जाएंगे, हम तो चोर हैं, जो भी आपके पास होगा वो हम चुरा लेंगे। हमें तो इल्म चाहिए, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें कुछ सिखाए और हम सीखने को तैयार हैं। तो अब आपने देखा कि किस तरह से दिलचस्प है। तो सिद्दीकी जी ने अपने आम के बगीचे में कुछ अमरूद के पेड़ लगाए हैं और अमरूद के पेड़ों की डिस्टेंस बहुत कम है, दूरी, इसके पीछे का क्या कारण है सिद्दीकी साहब, क्या तकनीक है? Well, ये कोई स्पेशल अमरूद नहीं है, सिंपल जो है फॉरेस्ट वालों के वहाँ से, कि नर्सरी से मैं अमरूद के ये लेके आया जी। 9-10 रुपए का ये एक पौधा है जी। और इसकी टेक्निक जो है लगाने की, ये अभी डिस्टेंस हमने अपने आदमी को बताया था, उन्होंने इसको 6 फीट पे कर दिया, ये 4 फुट पे होना चाहिए था जी। 6 फीट पे एक प्लांट से दूसरा प्लांट 6 फीट है जी। जी, बीच में ये ट्रैक्टर निकलने का रास्ता रखा गया, ये तो सही है जी। ये डेंस टेक्निक कहलाती है नर्सरी करने की, मतलब बिल्कुल घना लगाइए। देखिए बीच में पपीता भी लगे हुए। अच्छा, इन दो के बीच पपीता भी लगा दिया आपने? हाँ, और भी है कहीं जगह पे पपीते भी लगे हुए हैं जी। तो इसका जो है, मैं एक जापान के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं जी, उनका नाम भी इत्तेफाक से मेरे नाम जैसा ही है जी, मियावाकी जी। जी, तो उनकी रिसर्च ये है कि प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कम रखिए जी, और उसको एक बार जो भी कंपोस्ट वगैरह है वो नीचे डाल के ड्रिल करके और प्लांट को लगा दीजिए, 1 साल तक उसकी देखभाल कीजिए, उसके बाद में छोड़ दीजिए, ये अपने आप ही बढ़ता रहेगा जी। उसी टेक्नोलॉजी में तो मैं भी इसको बस बुश बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ज्यादा ऊंचा प्लांट हो जाता है तो तोड़ने में दिक्कत होगी, दूसरे जो हमारे मैंगो के प्लांट हैं तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा, और फुल सनलाइट भी मिल रही है जैसे यहाँ पर, तो इसको ज्यादा से ज्यादा हम 5 फुट से ऊपर नहीं जाने देंगे जी। इसकी हम कटिंग करते हैं, प्रोनिंग करेंगे, इसे राउंड एक बॉल टाइप की बना देंगे जी। और इसमें आपको फुल नरिश वाटर है, नरिश है, हर चीज है, तो आपको बहुत अच्छा। तो ये तो गंगा का क्षेत्र है सर, गंगा की? हाँ साहब, हमें तो ये नाम है इस शाहजहानपुर क्षेत्र में कि दो नदियों का संगम। तो दोस्तों, ये दो नदियां सर, गंगा और खन्नौत। खन्नौत जी, जी, गर्रा और खन्नौत है, गंगा की ब्रांचे हैं ये, गंगा की जी। जी, तो ये उत्तर प्रदेश का बहुत फर्टाइल लैंड है, आपको बता दूं कि यहाँ आम का बगीचा, आपने इसको बहुत अच्छे से देखा है, तो यहाँ पर अमरूद भी लगा है। एक और इनका तरीका है, वो आपको लेकर चलता हूँ, कि पानी के बिल्कुल बीच में आम का पेड़ खड़ा है, एकदम तालाब के बीच में, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो सही खड़ा है, और ये अपने आप में एक अजीब बात है कि पानी का चारों तरफ से घेरा होने के बावजूद आम का पेड़ अब तक बिल्कुल सुरक्षित है। तो अब आपको वो टेक्निक दिखाते हैं कि सिद्दीकी साहब ने क्या किया उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं सिद्दीकी साहब का एक जो फॉर्मूला है मैंगो का, ये जो पेड़ है, ये देखिए तालाब। आइए सिद्दीकी साहब, ये बताएं कि ये कौन सी तकनीक है आपकी, कैसे आपने इसको किया? ये एक आम का पेड़ खड़ा है पूरा तालाब के बीच में। कोई टेक्निक नहीं है, हर चीज को सपोर्ट के लिए एक फाउंडेशन चाहिए होती है, इसकी हमने फाउंडेशन बना दी है। जैसे आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे या कहीं पर कोई पीपल का पेड़ लगा हुआ हो और एक घेरा बना देते हैं, दैट्स अ फाउंडेशन, उसको मजबूत करने के लिए। इसी तरह ये भी हमारी एक फाउंडेशन है, और डायरेक्ट पानी नहीं जा रहा है, वाटर इफेक्ट तो है, उसको मॉइस्चर मिल रहा है, देखिए इसकी रंगत देखिए कितनी, ये दूसरों से बहुत बेहतर है, और दूसरों से बहुत बेहतर है। तो ये क्या आपने जो घेरा बनाया इसके कारण है? इसी का, इसको फाउंडेशन, इसको सपोर्ट करने के लिए बनाया है जी। और इसमें वाटर लेवल जो है वो इतना ज्यादा नहीं है, इसमें हार्डली 2 फुट पानी जी। तो ये दोस्तों आप देखिए, इसके चारों तरफ है वो प्लांट लगे हुए हैं। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें अक्सर ये मानते हैं लोग कि जो पानी के बीच पौधा होता है वो मर जाता है,
लेकिन ये फाउंडेशन की वजह से जो है वो पूरी तरह से अब तक सुरक्षित है। तो ये मोहम्मद वकी साहब, जिन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से अपने फार्म के बारे में बताया, कौन से फिशेज वो पालते हैं, कौन सी वैरायटी ऑफ फीड इनके खुद के खेत में तैयार होता है, तो इनका जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो ये रहा कि एक तो इन्होंने फिश फार्मिंग की शुरुआत की, वो कि आम के बगीचे में। ये सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट रहा कि ये शायद पहली बार ऐसा देख रहा हूँ मैं जो एक बगीचे के बीच फिश फार्मिंग हो। आपने कभी फिश को चारा खाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा नहीं। तो ये अपना कैमरा से ये दिखाइए। तो फिश फार्मिंग ये कर रहे हैं, इनका एक अलग अंदाज है और ये जो इनका एक टेक्निक है ये बहुत कामयाब रही है। अगर आपका भी बगीचा है तो दूसरे किसान भी इसको कर सकते हैं सर, रेप्लिकेट कर सकते हैं। यस यस, बिना डरे, बगैर डरे, बगीचे को नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। ये तो बहुत चौड़ा है, मैं तो अपने किसान भाइयों से कहता हूँ जी कि आप सिर्फ 10 फुट जगह दो उसको, बीच में 10 फीट जगह, तो उसको भी यूज करिए, उसको यूज करिए और जिगजैग कर दीजिए। आपको रन देना है जी, फिश को रन कराना है जी, उस कैनाल को आप यू कट टर्न करके वापस ले आइए, आप घूमते रहेंगे पूरा दिन, घूमता रहेंगे, घूमते रहेंगे। तो ये मॉडल है वो आप अपना सकते हैं। तो ये तो बात हुई दोस्तों फिश फार्मिंग की, जो और आप अपने बच्चों के साथ में एंजॉय करिए, पानी में जाइए, कहिए आओ भाई घूमो, थोड़ा सा करो, नहाओ, हाँ नहाओ, उससे क्या होगा, बच्चे तो नहा रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं, हम भी खुश हो, हमारा फायदा ये हो रहा है कि हमारी फिश जो है उसका मूवमेंट हो रहा है, एक्सरसाइज मिल रही है, तो ये देसी तरीके। एक इंजीनियर है वो जब खेती करने जाते हैं तो कैसे चीजों को देखते हैं वो आप समझ सकते हैं। मोहम्मद वकी साहब से जब हम मिलेंगे तो आप समझ सकते हैं। तो ये मोहम्मद वकी साहब हैं जिनके साथ हम इस वक्त इनके फार्म पर हैं और फिश फार्मिंग के बारे में हमने जाना है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूँ इनके कुछ और दिलचस्प तरीके हैं फार्मिंग के। इस आम के बगीचे में इन्होंने कुछ और भी उगाया है वो दिखाते हैं, दूसरी एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं। तो चलिए वकी साहब जानते हैं। तो ये इनके टेक्नोलॉजी और पेशे से इंजीनियर है। सर आप अपने उस लाइफ के बारे में बता दीजिए, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा। प्रोफेशन होता है, आज भी चल रही है, मेरा कुछ हैवी अर्थ मूवर्स हैं जी, और बीबी कॉल आ रही थी साइट से, और बस इंटरमीडिएट की होता है कि ये करना है, इसके बीच में फिर क्या करना है, इसके बीच में फिर क्या करना है, आप भी कोई प्रोजेक्ट मेरे पास में लेके आइए, और फिर मैं सोचता हूँ तो मुझे कुछ और करना है, तो यही चल रहा है, हैवी अर्थ मूवर्स का काम है और मैं उसको भी देखता हूँ। आप देखिए हैवी अर्थ मूवर्स के साथ साथ किसान वाला जो किरदार है वो भी बड़े जबरदस्त तरीके से निभा रहे हैं। सबसे पहली चीज है कि आप अपने जो है जब सुबह उठिए तो आप अपने काम से फारिग होने के बाद में अपने बूट कस लीजिए, मतलब काम शुरू करिए। डोंट गो ऑन द बैक साइड। सर आप जो फार्मर्स हैं हमारे जो फ्रीडम ऐप पर लोग जो जुड़ते हैं देखते हैं, उनको लगता है कि नई शुरुआत कैसे करेंगे, वो एक घबराहट मन में होती है, थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? बस डर के आगे ही तो जीत है, डर के आगे जीत है। तो दोस्तों आप सीख सकते हैं, अगर आपको सीखनी है नई चीज़ें तो आप फ्रीडम ऐप डाउनलोड करिए, फ्रीडम ऐप पर कोर्स करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, चाहे खेती करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं या पर्सनल फिनांस में कुछ करना चाहते हैं, सब चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर मिलेगी। फ्रीडम ऐप के जो कोर्सेज हैं वो आपको एक नई डायरेक्शन, न्यू आइडिया और पूरा गाइडेंस आपको देंगे। तो सर शुरुआत की जा सकती है कोई भी हो जी, कहीं भी, और आप करिए, और साथ में आप थोड़ा सा पोल्ट्री भी कीजिए जी, पोल्ट्री जो है वो आपको जो है फिश फीड की चिंता आपको खत्म हो जाएगी, अब आपको पोल्ट्री को फीड करना है। तो अभी बात ये है सर कि इनका जो है जंगल में मंगल इन्होंने कर दिया है, पूरा आम का बगीचा है, यहाँ पर फिश फार्मिंग हो गई है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनकी फिश फार्मिंग चल रही है और इन्होंने बड़ा साइंटिफिक तरीके से इसको किया है जो आपने इनके ज़रिए समझा है। तो ये उत्तर प्रदेश में हम कांट में शाजापुर जिला है, वहाँ का कांट इलाका है, वहाँ का मदनपुर रोड है सर, ये मदनापुर रोड है, वहाँ पर हम ईदगाह के सामने तो ये इनका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह से नई शुरुआत की है। नई शुरुआत आप कर सकते हैं फ्रीडम के साथ, तो फ्रीडम के जो हीरोज हैं उनसे हम मिलवा रहे हैं। ये जो भारत यात्रा मैं कर रहा हूँ इसका मतलब है कि उन लोगों से आपको हम रूबरू करवा रहे हैं, उन जो हमारे हीरोज को भारत से रूबरू करवा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने एक नई शुरुआत की है और नई शुरुआत से उनको क्या बेनिफिट हुआ है। सर इसके फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं नहीं, जब आप नेचुरली होंगे जी, तो इनका जो फार्म है ये 1.5 लाख की लागत से शुरू हुआ और 4 लाख का इनका प्रोडक्शन है, और आने वाले वक्त में ये प्रोडक्शन कितना सोचा है सर आपने, कहाँ तक लेके जाएंगे आप? चार लाख का है लेकिन बढ़ सकता है, हम लोग तो मिनिमम की तरह बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नए हीरो के साथ, फिलहाल सिद्दीकी जी के यहाँ से, सिद्दीकी सर
नमस्ते, आप बहुत अच्छा रहा, आपसे मुलाकात हुई। तो ये सिद्दीकी साहब के साथ हमारा एक इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा, और अब आपको मिलवाऊंगा मैं फ्रीडम के नए हीरो से।